राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो अभी से मैंने अपना व्लॉगिंग चालू कर दिया है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है क्योंकि पीयू ना बहुत लेट सो के उठी है। ये देखिए अभी उठी है, सोकर बहुत सोती है ये, इसको बहुत नींद आती है और रात को कभी कभी ये ना 12 बजे तक भी जगती रहती है, वीडियो देखती रहती है अपने जो भी यूट्यूबर्स उसके फ्रेंड्स है ना जिनको वो पसंद करती है, बस उन्हीं के वीडियो देखती रहती है। और बस अभी मेरी बेटी देखिए सो के उठी है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग है ना हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए, अभी हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास है ना एक ही कूलर है और हम लोग है ना यहीं पर गद्दा डालकर सोते हैं, तो आज मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। मैंने अपने वीडियो में ये सब चीज़ें आपको पहली बार बताई है फ्रेंड्स। और मेरा बेटा है ना यहाँ पर सोता है ऊपर और हम लोग यहाँ पर गद्दा डाल के सोते हैं, रूम में बिल्कुल नहीं सोते क्योंकि कूलर एक ही है हमारे पास और गर्मी बहुत होती है तो पंखे से काम बिल्कुल नहीं चलता, तो इसलिए हम लोग है ना इसी रूम में सोते हैं। और यहाँ पर मेरा ब्रूनो सोता है और वो मतलब ये तो खैर उसका सिर्फ दिखाने वाला बिस्तर है, बाकी वो हमारे ही साथ सोता है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी रियल लाइफ, तो आज मैंने आपसे शेयर की है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में बहुत बोलते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा है, वैसे घर तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ और बहुत आउट एरिया है इसलिए क्योंकि बच्चों का स्कूल यहीं पर है और मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ थी जिस वजह से मैं मतलब अपने सास ससुर के वहाँ से यहाँ पर रहने के लिए आई थी क्योंकि बच्चों का जो स्कूल था ना काफ़ी दूर था, तो हम लोग यहाँ पर रहने आ गए थे और बहुत दिक्कतें होती है फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि आउट एरिया है यहाँ पर, मतलब है ना कोई भी ज़्यादा मेरे यहाँ आता जाता नहीं है क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, तो बस अकेली रह रही हूँ, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। रेंट काफ़ी ज़्यादा है तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भी मतलब चैनल ग्रो हो जाए तो मैं भी अपनी फैमिली के पास जाके रह सकूँ और वहाँ के हम लोग रेंट वगैरह या कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इससे पहले ना मैं एक रूम में रहती थी, एक ही रूम में मैं खाना बनाती थी और एक ही रूम में हम लोग रहते थे, बहुत दिक्कत होती थी खैर वहाँ पर, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतनी दूर आ गए हैं और मतलब बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है और घर भी काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी अकेले होते हैं ना तो फिर घर चाहे कितना भी बड़ा हो अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अपनी फैमिली के आसपास रह पाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए ये मतलब केरिया है तो मैं इसका पना बनाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी बैगन की सब्जी। तो बस और अभी तो मेरा किचन बहुत फैला हुआ है, देखिए अभी बर्तन वगैरह सब जमाने हैं मुझे और काफ़ी किचन फैला हुआ है, तो बस अभी ये सब किचन में आ गई हूँ तो ये सारे काम भी मैं कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी तक ये लोग है ना उठ ही नहीं रहे हैं और बस यहाँ पर मस्ती चल रही है इन लोगों की, ये देखो दोनों भाई बहन कितनी मस्ती कर रहे हैं बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रहा है, मैं बोल भी रही हूँ कि उठ जाओ गद्दा वगैरह उठा लो लेकिन नहीं उठा रहे हैं और बस यही आलसपन कर रहे हैं, देख लीजिए आप भी। तो ये है मेरे बच्चे, देखिए कितनी मस्ती करते ये लोग। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बैगन की सब्जी बन रही है और साइड में मैंने केरी काट कर केरी को उबलने के लिए रख दिया है, तो ये अच्छे से उबल जाएगी ना तो फिर इसे बंद करके ठंडा करके मिक्सर में इसे पीस के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस के रख लिया है, अब इसमें ठंडा पानी मिला दूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा ये देखिए पुदीना पाउडर जो मैंने बनाया था ना वो डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी और नमक डालकर शक्कर तो मैंने जब इसे कैरी को पीसा था तो जब भी मैंने डाल दिया था तो उसके साथ ये अच्छे से पीस गई थी शक्कर। तो
बस थोड़ा सा ग्राइंडर से इसे अच्छे से मिला लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा के रख लिया है, मिर्ची तल ली है और बैंगन की सब्जी तो ये देखिए बन गई है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। तो देखो फ्रेंड्स कितना सारा बर्तन रखा हुआ है मेरे लिए, और अभी मुझे रोटी बनानी है। तो बस मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, पने को भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और ये सब करके फिर बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है। तो रात के जितने भी बर्तन थे मुझे जमाने के थे वो मैंने जमा दिए हैं। और यहाँ पर जितने भी बर्तन सुबह से अभी तक खाना बनाया जितने भी बर्तन थे ना, तो मैं यहाँ पर मांज ले रही हूँ। और इतने बर्तन मांजते मांजते मुझे कमर में इतना दर्द होने लग गया था, क्योंकि खड़े खड़े इतने बर्तन मांजती हूँ ना तो मुझे कमर की प्रॉब्लम है, तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये देखिए बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। तो बस सारे बर्तन मांज गए हैं और अब मैं सबको खाना वगैरह दे देती हूँ। और ये देखिए पन्ना बनाया था तो उसमें मैं अभी बर्फ़ डाल रही हूँ, क्योंकि अभी वो अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था इसलिए मैं उसमें बर्फ़ डाल के दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।